हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, जैसे ही आप जानते हैं फोन फिक्स हैदराबाद की टीम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आती है। ऐसे ही आपने थंबनेल देखा होगा और देखकर समझ गए होंगे, आज मेरे पास जो हैंडसेट है ये रेडमी नोट 9 मर्लिन हैंडसेट है, जिसमें जो सीपीयू अगर आप देखोगे तो इसमें आपको एक एमटीके चिपसेट का सीपीयू मिलेगा, जिसमें 6769V एक सीपीयू है। लेकिन इसकी खासियत ये है फ्रेंड्स, इसमें जो चार्जिंग आईसी का इस्तेमाल किया गया है वो है एक एसएमबी आईसी, और एसएमबी जो अगर आप देखोगे यहाँ पे देख सकते हैं फास्ट चार्जिंग का आईसी है। आज मैं इसके बारे में ही आपको बताने वाला हूँ। एसएमबी जो आईसी होती है, थोड़ा सा जूम करके बताना चाहूंगा, शायद दिख रहा होगा आपको, क्वालकॉम चिपसेट के साथ आती है ये, देख सकते हैं आप। ये कुछ नया है डाटा आपको बता रहा हूँ, हालांकि हमने बहुत पहले से बहुत सारी चीजें रिसर्च करके है, हमारे स्टूडेंट्स ये जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए हम नई नई चीजें बताते हैं, जो बैठ के दुकान में काम कर रहे हैं, और इसका बहुत ज्यादा फायदा स्टूडेंट को होना चाहिए, और जो मार्केट में बैठ के हमारे टेक्नीशियन भाई काम कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ नया सीखने मिले। ये एक हमारी फोन फिक्स हैदराबाद की टीम की एक कोशिश रहती है। वो अलग बात है कि दूसरे इंस्टीट्यूट वाले इससे फायदा उठा लेते हैं, वो भी सेम कॉपी कर लेते हैं, अपने सिलेबस में ऐड कर लेते हैं, या फिर अपने स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें बता देते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स 10-10, 12-12 घंटे रिसर्च करते हैं बहुत सारी चीजों को चेक करने के लिए, उसके बाद हम स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं चीजें। वो अलग बात है कि कॉपी हो जाती है, क्योंकि मार्केट में तो चीजें बनती ही इसलिए है कि कॉपी हो जाए, कोई ना कोई किसी ना किसी को देखकर ही सीखता है फ्रेंड्स, और कॉपी करना भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई भी किसी को कॉपी करता है तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, हर आदमी किसी ना किसी को अपना आइडल बनाता है, किसी ना किसी को देखता है, किसी ना किसी को सीख के वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे आज डिफरेंट क्या है इस चार्जिंग सेक्शन में, इसका मैं चार्जिंग सेक्शन में बताने वाला हूँ, एक मॉस्फेट का इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको मॉस्फेट क्या होता है नहीं पता तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक दे दूंगा, वहां से मॉस्फेट को आप जान सकते हैं, जिसका हमने कल ही एक वीडियो डाला था मॉस्फेट के बारे में, आप उसको जाकर के देख लीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स फास्ट चार्जिंग के लिए ये आईसी का अभी तक इस्तेमाल किया जाता है क्वालकॉम के अंदर। ये जो आईसी बनाई है SMB1351, ये क्वालकॉम जो ब्रांड है, जो कंपनी है, उसने इस आईसी को मैन्युफैक्चरिंग किया है, बट ये आईसी अभी तक फास्ट चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होती थी, बट इस हैंडसेट में मेन चार्जिंग का काम कर रही है। अभी तक ये आईसी सेकेंडरी चार्जिंग का काम करती थी, जो कि फास्ट चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अभी ये आईसी मेन चार्जिंग का ये काम कर रही है इसमें, बट फास्ट चार्जिंग इससे नहीं हो रहा है, बट एक मॉस्फेट का इस्तेमाल किया गया है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर इसका लेआउट की बात करें तो ये देख सकते हैं ये पीसीबी का लेआउट है। इसमें अगर आपको चार्जिंग एसी कहाँ पे है, कैसे ढूंढना है, बहुत इजी तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं, हम 2 सेकंड के अंदर आप चार्जिंग एसी ढूंढ सकते हैं, 2 सेकंड के अंदर आप लाइट एसी ढूंढ सकते हैं, 2 सेकंड के अंदर ग्राफिक एसी ढूंढ सकते हैं, 2GPA किधर है, 4GPA किधर है, और DRX IC किधर है, RF IC किधर है, चाहे कोई भी चीज हो, हम यहाँ पे इतना डीपी लेवल पे स्टूडेंट को सिखाते हैं कि बच्चे जाकर के टीचर बन जाते हैं। या फ्रेंड्स स्टूडेंट जाकर के हमारे पास टीचर बन जाते हैं, दूसरे बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं और अपने मार्केट में अच्छे लेवल पे वो काम करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया आपको, सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी चार्जिंग एसी के पास जाते हैं, कैसे जाना है, कैसे ढूंढना है, सब कुछ अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद। खैर यहाँ पे 2904 जो है इसका एक आईसी है, जो कि हमारा चार्जिंग का मेन DC-DC कन्वर्टर है। डायग्राम में जाकर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा उसी नंबर को, हम यहाँ पे आ जाएंगे सीधा सीधा SW जो कि चार्जिंग एसी है, जो कि स्विचिंग का काम करती है यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखोगे वीबस लिखा है, तो ये जो वीबस है 5 वोल्ट होता है, जो कि आपका चार्जर से आता है, बीच में आपको OVP आईसी मिलती है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, बीच में बहुत सारे कैपेसिटर और डायोड पैरेलल में मिलते हैं, सीरीज में आपको कॉइल या रजिस्टर हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैपेसिटर है पैरेलल में, उसके बाद ये 5 वोल्ट यहाँ पे DC इन हो गया है, जो कि हमारा डायरेक्ट करंट होता है। इन होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे राइट साइड में अगर आप देखोगे, यहाँ पे MID के लिए यहाँ पे एक लाइन दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि वही 5 वोल्ट होता है, तो उसका यहाँ पे ग्राउंड पिन है, तो यहाँ पे बीच में एक कैपेसिटर मिलेगा आपको हमेशा पैरेलल में, जो कि आपको 5 वोल्ट यहाँ भी चेक करना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे एक बूट कैपेसिटर लग गया है, जो कि 3C2919, यहाँ पे जूम करके बताना चाहूंगा, ये देख सकते हैं। तो मैं इसमें जो आपको बताने वाला हूं आज, तो इसमें एक मॉस्फेट है जिसका इस्तेमाल किया गया है,
तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा बूट कैपेसिटर जो कि सीरीज में होता है यहाँ मिलेगा, जो कि 8 वोल्ट और 4 वोल्ट हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइनें यहाँ पे स्विचिंग के लिए दी गई है। स्विचिंग होने के बाद जो 5 वोल्ट इन हुआ था वो यहाँ से वीएस वायस बन के निकलेगा। अगर वो क्वालकॉम सीपीयू होता तो उसको हम वीपीएस बोलते हैं। तो ये लाइन यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो लाइन आगे बढ़ गई, और आगे बढ़ने के बाद ये वीएस वायस लाइन जो कि आपके पावर और दूसरे सेक्शन के लिए इनपुट सप्लाई बन जाती है। बट फ्रेंड्स, अगर इसी को अगर आप देखोगे तो नॉर्मल अगर आप किसी भी मॉडल्स में अगर आप देखोगे तो ये सप्लाई आपकी वापस इन हो जाती है एसवाईएस के नाम से या वीपीएस पावर के नाम से। 4 लाइन यहाँ पे इन हो जाते हैं इस चार्जिंग एसी में, इसको हम डीसी टू डीसी भी बोलते हैं, तब जाकर के वो यहाँ से चार्ज आउट बन के निकलते हैं। देख सकते हैं 4 लाइन जैसे इन हुए, यहाँ से ये 4 लाइन वापस से बैटरी कनेक्टर पे जाते हैं। देख सकते हैं बीच में आपको एक सेंस रजिस्टर मिल सकता है यहाँ पे 0.001 ओम्स का, मिली ओम्स का। उसके बाद ये लाइन बैटरी कनेक्टर की वीबैट लाइन हमारी बन जाती है। बट फ्रेंड्स, इसमें इस लाइन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक मॉस्फेट दिख रहा है जो कि D2920 के नाम से है। ये एक कुछ नया है जो मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि बहुत पहले हमने देखा है, दूसरे मॉडल्स में भी देखा है, आप लोगों के लिए हो सकता है ये नया है, क्योंकि फास्ट चार्जिंग के लिए अभी तक SMB या दूसरी सेकेंडरी पावर ऐसी सेकेंडरी चार्जिंग ऐसी का इस्तेमाल किया जा रहा था। बट यहाँ पे एक मॉस्फेट का इस्तेमाल किया जा रहा है एन टाइप चैनल के। यहाँ पे कैसे इसको वर्क कराया जा रहा है देख सकते हैं, यहां से तो हमारा एक नॉर्मल वीपीएच का वोल्टेज जो बैटरी के लिए निकल रहा था, जिसको हम चार्ज आउट बोलते हैं या वीबैट की लाइन भी बोलते हैं, तो ये तो हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है। एक और लाइन यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, तो ये मॉस्फेट के ड्रेन के पास यहाँ पे आ रही है। तो इसको फ्रेंड्स वर्क कराने के लिए, इस मॉस्फेट को वर्क कराने के लिए फेड ड्राइव करके एक वोल्टेज यहाँ से इसको, क्योंकि ये एन चैनल मॉस्फेट आपका लॉजिक हाई से वर्क करता है, 1 वोल्टेज से वर्क करता है, तो यहाँ पे इसको यहाँ से वोल्टेज दिया जाता है, तब जाकर के ये मॉस्फेट वर्क करने लगता है। और ये जो वोल्टेज है आपका यहाँ से इस तरह से यहाँ पे वीबैट में आकर के मिल जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, एक तो चार्जिंग का जो कॉइल है आपका L2903 यहाँ पे दिया गया है, और यही लाइन हमारी वीबैट बन के आ रही है, यहाँ पे चार्ज आउट बन के यहाँ पे बैटरी को चार्ज करेगी। और मॉस्फेट के सोर्स जो पिन होती है, मॉस्फेट की सोर्स, गेट और ड्रेन, 3 पिन यहाँ पे मॉस्फेट के होते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है। यहाँ से 2 बार आपको ये बैटरी को यहाँ से भी वोल्टेज मिलेगा और यहाँ से भी वोल्टेज मिलेगा, तब जाकर के आपका ये मोबाइल में फास्ट चार्जिंग होती है। फास्ट चार्जिंग के लिए फ्रेंड्स, आपके मोबाइल के अंदर IC भी होनी चाहिए, सेक्शन भी होना चाहिए और फास्ट चार्जर भी होना चाहिए। दोनों होंगे तभी आपका वो फास्ट चार्जर होगा, अदरवाइज वो फास्ट चार्जिंग नहीं होगी। सिर्फ आप चार्जर लगाओगे और अंदर सर्किट नहीं है तब भी फास्ट चार्जिंग नहीं होगी, और अंदर सर्किट है और आप नॉर्मल चार्जर लगाओगे तो उससे वो वाला चार्ज नहीं होने वाला। 2 एम्पियर का चार्जर चाहिए। और इसमें DMDP की लाइन का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि हम क्लास में स्टूडेंट को बताते हैं कि फास्ट चार्जिंग में DMDP की लाइन में कैसे चेंजेस आ जाते हैं, क्या वहां पे वोल्टेजेस बनते हैं, सारी चीज क्लास में बताते हैं। तो दोस्तों, इस हैंडसेट में मैं आपको ये मॉस्फेट को ही बताना था मुझे कि यहाँ पे एक मॉस्फेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये मॉस्फेट बोर्ड में कहाँ लग के है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर डायोड, इस मॉस्फेट का नंबर D2920 के नंबर से ये मॉस्फेट का यहाँ पे नंबर मिलेगा। और अगर मैं लेआउट में आके देखना चाहूं तो यहाँ पे सर्च करूंगा यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का दिखेगा। अब ये बोर्ड में दिखता कैसे है वो भी देख लीजिए, ये भी सोल्यूशन लेकर जाइए, और अगर अच्छे से सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद। यहाँ पे देख सकते हैं ये चार्जिंग IC के जस्ट बाजू में, ये हमारी IC थी उसके जस्ट बाजू में है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, देख सकते हैं ये हमारी चार्जिंग IC है SMB, उसके जस्ट बाजू में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपको, एक तो हमारा वीपीएच का वोल्टेज यहां से स्विच होकर के जा रहा था आपके बैटरी के कनेक्टर पे, और वही जो है आपको इस वाले मॉस्फेट से, देखिए यहां से भी आपको ये लाइन आकर के इसमें कनेक्ट हो जाती है। यहां पे हमारा वो मॉस्फेट लगकर है, इसको मैं बोर्ड में स्टूडेंट को क्लास में लाइव बताता हूं कि ये हमारा मॉस्फेट दिखता कैसा है, कैसे वर्क करता है, सारी चीज हम स्टूडेंट को बताते हैं। अगर आपको अच्छे से सीखना है तो ज्वाइन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद। ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस के लिंक दिए हैं, आप जाकर के देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले, और दोस्तों खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए। दूसरे की कामयाबी या दूसरे को देखकर बिल्कुल मत जलिए, उसकी टांग खींचने की कोशिश मत करिए। आप मेंढक की तरह मत बनिए, मेंढक क्या करते हैं एक दूसरे की टांग खींचते हैं।
आप अपने आप को एक अच्छा मेहनती बनाइए। आप जितना फोकस दूसरे को गिराने में लगाते हैं उतना फोकस अपने आप को ऊपर ले जाने में लगाइए। अपने आप पर मेहनत करिए, आप आगे जाएंगे, दूसरा बंदा ऑटोमेटिकली वो नीचे हो जाएगा। बड़ी बात किसी से मत करिए, अपने टीचर के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ अच्छे से पेश आइए, तभी जाकर के आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। अगर किसी को गिराने की कोशिश करेंगे, किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, तो ऊपर वाला आपके साथ बुरा करेगा। फोन पे हैदराबाद कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता है, बस अपने स्टूडेंट को अवेयर करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे टेक्नीशियन भाइयों को अवेयर करते रहते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। जितने भी इंस्टीट्यूट है सब अपने लेवल में अच्छे हैं, सबके पास अच्छी नॉलेज है। कहाँ जाना है आप डिसाइड करिए, जाइए। फोन फिक्स के पास अगर आना है तो आ सकते हैं, हमारे पास हैंड स्किल के साथ साथ सर्किट की नॉलेज देते हैं। अगली बार अगर आप कमेंट करेंगे तो इस आईसी के अंदर कौन से बॉल है, कितने बॉल है, ये इसके अंदर कैसे काम कर रही है, फास्ट चार्जिंग में तो डिफरेंट तरीके से काम करती है, इसमें ये तो मेन चार्जिंग एसी है तो इसके अंदर ये कितने बॉल है, एक एक बॉल पे क्या सप्लाई आ रही है, उसके ऊपर वीडियो बना के दूंगा। अगर 50 कमेंट नीचे करेंगे तो इस आईसी का पूरा डिटेल में निकाल के दे दूंगा कि कहां पे क्लॉक डाटा सप्लाई आ रहा है, कहां पे वी बस इन हो रहा है, कहां से वीपीएस बन रहा है, और भी बहुत सारी लाइनें होती है चार्जिंग आईसी के अंदर। एक एक गोले के बारे में आपको बता देंगे, डीएमडीपी की सप्लाई हो गई या जो भी हो गई, सारी चीजें आपको बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। ज्वाइन करना चाहते हैं फोनफिक्स हैदराबाद, अप्रैल 27 से हमारा नेक्स्ट बैच है। कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, डिटेल ले लीजिए। अगर आपको एक झोला छाप टेक्नीशियन नहीं बनना है, आधा अधूरा टेक्नीशियन नहीं बनना है, यूट्यूब पे सर्च कर करके नहीं बनाना है, अपने खुद से, खुद की नॉलेज से बनाना है, हैंड स्किल का काम सीखना है, सर्किट की नॉलेज लेनी है, डेड मोबाइल बनाना है, चार्जिंग, ग्राफिक, नेटवर्क, रिंगर, माइक, स्पीकर, नेटवर्क, जितने भी सेक्शन है सबको यहाँ पे डिटेल में बताया जाता है। जितने भी नए नए सर्किट आते हैं, 4G हो या 5G हो, सिंगल पावर, डबल पावर, तीन पावर, सिंगल चार्जिंग एसी, डबल चार्जिंग एसी, ट्रिपल चार्जिंग एसी, सब कुछ क्लास में यहाँ पे मैं बताता हूँ। अगर आपको अच्छे से सीखना है फोन फ्री हैदराबाद ज्वाइन कर सकते हैं। हैंड स्किल का काम यहाँ पे सागर सर आपको सिखाते हैं, जिसमें डबल लेकर, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड और डेड मोबाइल का बूट सीक्वेंस कैसे चेक करना है, डेड मोबाइल में क्या क्या कोडिंग होती है, डीसी की कोडिंग क्या है, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। इसके अलावा हमारे पास ईएमसी के टीचर आपको पूरा ईएमसी का काम सिखाते हैं, यूएफआई, इजी अटैक, बीपी टेस्टर, कैसे प्रोग्रामिंग करनी है, कैसे अनलॉकिंग करनी है, कैसे हैंडसेट को रिपेयर करना है, डेड मोबाइल कैसे बनाना है, सॉफ्टवेयर में कौन सी फाइल डालनी है, अनलॉकिंग कैसे करनी है, फर्बी कैसे हटाना है, डाटा रिकवर कैसे करना है, आपको रैम का स्टोरेज कैसे बढ़ाना है, रोम का स्टोरेज कैसे बढ़ाना है, कंफर्टेबल ईएमसी कैसे ढूंढना है, यूएफएस और ईएमसी में क्या फॉल्ट है, दोनों में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, सब कुछ डीप लेवल पे यहाँ पे बताया जाता है। अगर आपको सॉफ्टवेयर का काम अच्छे से नहीं आता है, ज्वाइन कर सकते हैं फोनफिक्स हैदराबाद। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट जरूर दे दीजिए। मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।